बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। गूगल क्लासरूम के सिलसिले में हमारी दूसरी वीडियो पेश खिदमत है। इस वीडियो में हम गूगल क्लासरूम के क्लास वर्क के टैब को डिस्कस करेंगे। इस सिलसिले की पहली वीडियो में हमने गूगल क्लासरूम को एक्सेस कैसे किया जाएगा और मोबाइल के ऊपर गूगल क्लासरूम को इंस्टॉलेशन और लॉग इन करना सीखा, और इसके साथ साथ हमने उस वीडियो के अंदर स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेट करना, चैट करना भी बताया। इस वीडियो में हम गूगल क्लासरूम के क्लास वर्क के टैब पर फोकस करेंगे, और पहले हिस्से में हम देखेंगे कि अगर हमने स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट देनी हो या स्टूडेंट को से किसी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तो वो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम बायोडाटा फॉर्म स्टूडेंट को असाइन करेंगे और फिर उनका रिस्पॉन्स वापस लेंगे ताकि हमारे पास हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद हो। आइए इस सिलसिले में हम गूगल क्लासरूम के डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं, जहां पे हम गूगल क्लासरूम के लिए एक बायोडाटा फॉर्म जनरेट करना और फिर स्टूडेंट को असाइन करना सीखते हैं। इसके लिए टीचर अपनी आईडी से गूगल क्लासरूम को लॉग इन करेगा और मखसूस क्लास को क्लिक करने के बाद उस क्लास के डैशबोर्ड पर जाएगा। अब हम क्लास वर्क पर क्लिक करें तो वहां पे क्रिएट का एक बटन बना है, जहां पर हम क्लिक करें तो वहां पे मुख्तलिफ ऑप्शन में हमें गूगल फॉर्म, गूगल क्विज वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। हम यहां पे गूगल क्विज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई असाइनमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे हम असाइनमेंट के लिए टाइटल देंगे और स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस हो तो वो देंगे। उसके बाद हम क्रिएट पर अगर क्लिक करें तो हमारे पास वहां पे मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाती हैं, जिसमें गूगल डॉक से लेकर फॉर्म शीट वगैरह इंस्टॉल की जा सकती हैं। लेकिन उसके साथ ही नीचे हमारे पास गूगल की फॉर्म को क्विज की सूरत में दिया हुआ है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक क्विज खुल जाएगा। अब इस ब्लैंक क्विज के टाइटल को चेंज करने के लिए हम कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पर अगर देखें तो वहां पर भी ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है, वहां पे हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये इस नाम के साथ गूगल ड्राइव के ऊपर सेव होगा। फर्ज करें कि मैंने इसका नाम बायोडाटा फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स लिख दिया है। उसके बाद हम शीट के ऊपर अगर देखें तो वहां पर भी ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है, मैंने उसका नाम भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख दिया, जो इस नाम के साथ ये फॉर्म सेव होगा। अब यहां पे अगर हम उसकी इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो वो भी उसके साथ दे सकते हैं। उसके बाद हम उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस को फॉर्म करना शुरू करेंगे। अब इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है, पैराग्राफ की सूरत में हो सकता है, यस नो की सूरत में हो सकता है, और इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें नजर आ जाती हैं। तो अगर हम जैसे ही क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब इस क्विज के जरिए चूंकि हम स्टूडेंट से पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट जैसे, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको शॉर्ट आंसर नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आंसर की हमें देने की फिल वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड पे हमने क्लिक कर दिया कि स्टूडेंट इसको लाजमी तौर पर फिल करें। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर के साथ डाउन एरो को प्रेस करें तो हमें मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ जाती हैं, जिसमें वो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस वगैरह की ऑप्शन हैं, जो कि हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो हम प्लस साइन पर क्लिक करें तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फादर्स नेम और इसी तरीके से दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, और जो मेरे ख्याल में ये जरूरी हो कि वो स्टूडेंट लाजमी उसका आंसर करे, उसके लिए फिर मैं रिक्वायर्ड के बटन पर को ऑन करता जाऊंगा। इस तरीके से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी हम क्वेश्चंस की सूरत में यहाँ पर लिख देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम अगर फर्ज करें कि सेमेस्टर लेना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो खुद शॉर्ट आंसर की सूरत में दे, हम यहाँ पे उसको लिस्ट की सूरत में प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें से वो कोई एक चूज करे। अब ये हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हम दे सकते हैं। हम नंबर वन पर जो ऑप्शन वन है उस पर क्लिक करें और
ऑप्शन दे दें, जैसे मैं यहाँ पे सेमेस्टर वन की फर्स्ट सेमेस्टर लिख देता हूँ, फिर इसी तरह सेकंड सेमेस्टर लिख देता हूँ, थर्ड सेमेस्टर लिख देता हूँ, एंड सो ऑन अप टू एट सेमेस्टर में सारे नंबर लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, यानी जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी ऑप्शन नजर आ जाएंगी और हम उनमें से कोई एक चूज कर सकेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस की लिस्ट बना सकते हैं जो हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हासिल हो जाती है। जब हम इसको व्यू करेंगे तो आप इसको व्यू कर सकेंगे कि ये कैसा फॉर्म में डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम प्लस का साइन दबाते हैं और अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे इस तरीके से हम एक एक करके क्वेश्चंस को ऐड करते जाएंगे और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन की लिस्ट बनती जाएगी हम अगले क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। इस दौरान में हम चूज कर सकते हैं कि क्वेश्चन की टाइप क्या होगी और उसके साथ साथ हम अगर फर्ज करें कि किसी भी क्वेश्चन की तरतीब को बदलना चाहें तो वो भी बाद में भी हम उसको कर सकते हैं कि अगर जब हमने एक दफा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और हम समझते हैं कि एक खास क्वेश्चन एक जगह की बजाय उससे नीचे या उससे ऊपर होना चाहिए तो हम यहाँ पे जो सिक्स डॉट्स नजर आ रहे हैं उस पर क्लिक करके ड्रैग करते हुए हम उस क्वेश्चन की पोजीशन को तब्दील कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे पास तमाम क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट हम तैयार कर सकेंगे और अगर हम किसी जगह पे चाहें कि स्टूडेंट एक खास फॉर्मेट में उसका रिस्पॉन्ड करे, जैसे अगर हम चाहते हैं कि रोल नंबर, अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर है या कॉलेज रोल नंबर है, वो एक नंबर की फॉर्मेट में हो तो हम उस पर एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि वहां पर आंसर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो। और इसी तरह किसी खास क्वेश्चन के आंसर की रिस्पांस वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कितनी हो सकती है ये भी यहाँ पे एडजस्ट की जा सकती है। इसके अलावा हम इसके अंदर ये भी फिक्स कर सकते हैं कि कोई खास रिस्पांस के अंदर लाजमी तौर पर क्या वैल्यू हो सकती है, या अगर कोई यूज़र उसका आंसर गलत फॉर्मेट में देने की कोशिश करे तो उसके लिए एरर मैसेज भी यहाँ पर फीड किया जा सकता है। जैसे अगर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसके अंदर हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम आमतौर पर लाजमी होता है, जैसे जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है तो GCUF हर रजिस्ट्रेशन नंबर का पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये GCUF लाजमी तौर पर इसका हिस्सा हो, तो इट मस्ट कंटेन्स GCUF। सो यूजर को आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे और किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद या किसी भी स्टेज पर हम टॉप पर अगर देखें तो एक प्रीव्यू का बटन नजर आएगा, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्मेट ऑफ फॉर्म नजर आ जाता है कि किस तरीके का फॉर्मेट वहां पे स्टूडेंट देख सकेगा। अब अगर हम उसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो वहां पे कर सकते हैं, यहीं से हम इसको सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सेंड फॉर्म करने के लिए हमें स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस का पता होना जरूरी है। लेकिन चूंकि हमने ये काम गूगल क्लासरूम की मदद से करना है और जैसे जैसे हम फॉर्म को अपडेट करते जाएंगे ये खुद ब खुद सेव होता जाएगा, तो जब हम उसको क्लोज करेंगे तो वापस हम उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से हम वहां तक मूव किया था। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हम दोबारा क्लास वर्क पर चले जाते हैं, लेकिन उसमें एक नया फॉर्म ऐड हो चुका है, लेकिन अभी वो डिम फॉर्म में होगा, यानी अभी ग्रे शेड में होगा, इसका मतलब है अभी हमने उसको सेंड नहीं किया। अब अगर हम उसको ओपन करके और ओपन करने के बाद क्लिक करें उस फॉर्म के ऊपर तो हमें वो मॉडिफाइड फॉर्म या सेव फॉर्म नजर आ जाता है। अब हम अगर चाहें तो इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, लेआउट से मुराद हम इसका थीम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें साइड पर एक पेन का आइकन नजर आ रहा होगा, जब हम उस पेन को क्लिक करें तो वो एडिट फॉर्म में वापस चले जाते हैं, तो यहां पे हम जो भी फॉर्म के अंदर एडिटिंग करना चाहें वो दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक हमने उसको स्टूडेंट को फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट को फॉरवर्ड करेंगे तो जो उस दौरान में स्टूडेंट फॉर्म को एक्सेस कर चुके होंगे वो इन फील्ड्स को नहीं देख सकेंगे।
लेकिन जो बाद वाले स्टूडेंट्स होंगे वो नए फॉर्म को दोबारा एक्सेस कर सकेंगे। फॉर्म के थीम को चेंज करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर ही हमें कलरिंग वाली ऑप्शन नजर आती है। जब हम वहां जाकर क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्म को के थीम को चेंज करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो उसकी बैकग्राउंड पर नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये सेव भी हो चुका हुआ। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमारे पास नए फॉर्मेट में कलर फॉर्म नजर आ जाता है। फॉर्म को हर तरह से मुकम्मल करने के बाद अगला मरहला फॉर्म को सेंड करना होता है टूवर्ड्स द स्टूडेंट। इसके लिए अगर हम वापस असाइनमेंट वाली पेज पे जाएं तो यहां पर हमें ऑप्शन मिल जाती है कि हम किस क्लास को ये फॉर्म सेंड करना चाहते हैं। हम एक ही वक्त में एक फॉर्म को या एक क्विज को मल्टीपल क्लासेस को सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वक्त 4 क्लासेस को ये फॉर्म सेंड करने के लिए भेज दिया है, लेकिन अगर आप किसी खास स्टूडेंट को भेजना चाहें तो जहां पे ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है वहां पर मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी हम एक वक्त में भेज सकते हैं। उसके बाद हम इसके दूसरे पैरामीटर्स को सेट करेंगे कि कौन सा टॉपिक के अंदर होगा। जब हमने ये बाद में हम देखेंगे कि टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये कैसे क्रिएट करते हैं, और नीचे सबसे रूब्रिक क्या होगी, ये भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। जब हम इसको करने के बाद असाइन पर क्लिक करें तो ये फॉर्म तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम क्लासेज जिसको हमने असाइन करना चाह रहे थे वो चला जाएगा। अब जैसे ही वो तमाम स्टूडेंट्स को चला जाता है तो हमारे पास क्लास वर्क के टैब में वो मैसेज सामने आ जाता है कि ये जनरल कैटेगरी में हमने एक फॉर्म सेंड किया है जो इस वक्त इस क्लास में पर्टिकुलरली 9 स्टूडेंट्स जो मौजूद थे उन तमाम को असाइन हो चुका है। अगर हम दूसरी क्लासेस में देखना चाहें तो दूसरी क्लासेस में भी हम देख सकते हैं कि वो फॉर्म वहां पर भी डिस्प्ले उनके डैशबोर्ड के ऊपर आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को वो असाइन हो चुका है। इस तरीके से हमारे पास एक वक्त में मुख्तलिफ क्लासेस को, मल्टीपल क्लासेस को एक ही असाइनमेंट भेजी जा सकती है। मैं एक और क्लास को ओपन करता हूं जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, देखते हैं वहां पर क्या सूरत है। ये मैंने PHY 304 की क्लास ओपन की, वहां पे मैंने क्लास वर्क पर टैब पर क्लिक किया तो मैंने देखा कि यहां पर वो पर्सनल बायोडाटा फॉर्म भी मौजूद है, और यहां पे अगर देखें तो दैट हैज बीन असाइंड टू 76 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जिन जिन क्लासेस में ये फॉर्म सेंड किया था वो तमाम क्लासेस के डैशबोर्ड पर वो मौजूद है और उन क्लासेस के स्टूडेंट्स उसको देख सकेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि हम एक वक्त में मल्टीपल स्टूडेंट्स को और मल्टीपल क्लासेस को एक ही असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। अब हम इसका स्टूडेंट वर्जन देखते हैं कि स्टूडेंट की तरफ क्या सूरत हाल है, कि स्टूडेंट जब उसको देखेगा तो वो किस तरीके से इसको देख रहा होगा। अब एक स्टूडेंट ने एक मोबाइल के ऊपर अपने आप को लॉगिन किया और अपनी पर्टिकुलर क्लास को, डैशबोर्ड को ओपन किया, जैसे ये PHY 616 को ओपन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके डैशबोर्ड पर भी वो मैसेज भी जो हमने बाद में उसको किया, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक पोस्ट रेलेवेंट टू दी दैट पर्टिकुलर फॉर्म भी मौजूद है। अब उस फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट है अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पर्टिकुलर फीड करेगा और फीड करने के बाद इसको सबमिट करेगा, लेकिन किसी फील्ड में वो इंफॉर्मेशन देते हुए अगर फॉर्मेट की गलती करता है और हमने उसके अंदर अगर सेव किया हो कि किस तरीके से सेव करना चाहिए या किस तरीके से वो उसको रिस्पॉन्ड करना होगा तो वो वहां पे एरर मैसेज दे देगा। जब स्टूडेंट तमाम क्वेश्चन का रिस्पांस दे चुका होगा तो उसके बाद वो वहां पे सबमिट के बटन पर प्रेस करेगा। जब वो सबमिट के बटन पर प्रेस करेगा तो जो असाइनमेंट यहां पर स्टूडेंट ने सबमिट करेगा वो टीचर के डैशबोर्ड पर भी चली जाएगी और वहां पर वो उसको पता चल जाएगा कि फलां स्टूडेंट ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है, यानी असाइनमेंट को रिटर्न कर दिया है। इस वक्त जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं टीचर का डैशबोर्ड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 6 लोगों ने उसको रिटर्न किया है जबकि टोटल 8 लोगों ने अभी
उनको असाइन किया हुआ है, अभी उनको रिटर्न नहीं किया। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स उन्होंने जिन्होंने इसको रिटर्न कर दिया है और कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक वो असाइंड है और उन्होंने उसका रिस्पांस नहीं किया। तो यहाँ से आप डाउन एरो से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साइड से पूरी एक विंडो नज़र आ रही है जिसमें ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की एक पूरी लिस्ट है, अल्फाबेटिकली अरेंज है लेकिन ग्रुप्स की सूरत में, कि किन स्टूडेंट ने उनको रिटर्न कर दिया है और किन स्टूडेंट ने अभी तक वो असाइनमेंट को रिटर्न नहीं किया। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट ने जो रिस्पांस किया होगा वो यहाँ पे हमारे पास सेव हो चुका है। हम किसी भी वक्त उनके रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। रिस्पॉन्स को देखने का तरीका हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हम स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अगली वीडियो का हमारा टारगेट ये होगा कि हम एक क्विज जनरेट करेंगे और फिर वो क्विज को स्टूडेंट को असाइन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम ऑटोमेटिकली उसको मार्किंग भी करेगा और उसके साथ साथ हम मैनुअली भी उसमें मार्किंग कर सकेंगे और इसके साथ ही हमें वो ग्रेड भी शो कर देगा। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।